हरे कृष्णा भक्तों, आज है भद्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी, जो अजय एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। पद्म पुराण में अजय एकादशी को बहुत ही पुण्य फलदायी बताया गया है। इस एकादशी का महत्व इसलिए भी अधिक बढ़ जाता है क्योंकि यह जन्माष्टमी से 4 दिन बाद आती है। पद्म पुराण के अनुसार अजय एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। साथ ही इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है और सभी पापों से मुक्ति मिलती है। आइए जानते हैं अजय एकादशी की व्रत कथा। कुंती पुत्र युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, भाद्रपद कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? व्रत करने की विधि तथा इसका महात्म्य कृपया करके कहिए। मधुसूदन कहने लगे कि इस एकादशी का नाम अजा है। यह सब प्रकार के समस्त पापों का नाश करने वाली है। जो मनुष्य इस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा करता है, उसको वैकुंठ की प्राप्ति अवश्य होती है। अब आप इसकी कथा सुनिए। प्राचीन काल में हरिश्चंद्र नामक एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसने किसी कर्म के वशीभूत होकर अपना सारा राज्य व धन त्याग दिया, साथ ही अपनी स्त्री, पुत्र तथा स्वयं को बेच दिया। वह राजा चंडाल का दास बनकर सत्य को धारण करता हुआ मृतकों का वस्त्र ग्रहण करता रहा, मगर किसी प्रकार से सत्य से विचलित नहीं हुआ। कई बार राजा चिंता के समुद्र में डूबकर अपने मन में विचार करने लगा कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं जिससे मेरा उद्धार हो। इस प्रकार राजा को कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठा हुआ था कि गौतम ऋषि आ गए। राजा ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और अपनी सारी दुख भरी कहानी कह सुनाई। यह बात सुनकर गौतम ऋषि कहने लगे कि राजन, तुम्हारे भाग्य से आज से 7 दिन बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा नामक की एकादशी आएगी। तुम विधि पूर्वक उसका व्रत करो। गौतम ऋषि ने कहा कि इस व्रत के पुण्य प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार राजा से कहकर गौतम ऋषि उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनके कथन अनुसार एकादशी आने पर विधि पूर्वक व्रत व जागरण किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। स्वर्ग से बाजे बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसने अपने मृत पुत्र को जीवित और अपनी स्त्री को वस्त्र तथा आभूषणों से युक्त देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः राज्य मिल गया। अंत में वह अपने परिवार सहित स्वर्ग को गया। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के प्रभाव से ही हुआ। अतः जो मनुष्य यत्न के साथ विधि पूर्वक इस व्रत को करते हुए रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट होकर अंत में वे स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अजा एकादशी व्रत विधि। इस दिन व्रत करने वाले को ब्रह्म मुहूर्त में उठे और स्नान आदि के बाद पूजा स्थल को भी साफ करें। पूजन करने से पहले पूजा स्थल पर गंगा जल की कुछ बूंदें आप छिड़क सकते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विग्रहों को पूजा स्थल पर रखें और पूजा शुरू करें। पूजा के दौरान भगवान कृष्ण के मंत्रों और नारायण स्तोत्र का जाप आपको करना चाहिए। भगवान को प्रसाद नारियल जल, तुलसी फल और फूल भी पूजा के दौरान अवश्य अर्पित करें। पूजा के अंत में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती आपको गानी चाहिए।
अगले दिन द्वादशी पर पूजा के बाद पारण करें। द्वादशी पर ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा देनी चाहिए और उसके बाद ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। एकादशी तिथि कब से कब तक? एकादशी तिथि 29 अगस्त को सुबह 1:19 से 30 अगस्त को सुबह 1:37 तक रहेगी। अजय एकादशी व्रत 19 अगस्त 2024 को है। अजय एकादशी व्रत पारण का समय। अजय एकादशी व्रत का पारण 30 अगस्त 2024 को किया जाएगा। व्रत पारण का समय सुबह 7:49 से सुबह 8:31 तक रहेगा। पारण तिथि के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय सुबह 7:49 है। भक्तों, मैं आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगी कि एकादशी के दिन आप जितना हो सके हरि नाम का जप करें, हरि संकीर्तन करें और हरे कृष्णा महामंत्र का जप करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि बोल। आप सभी को अजय एकादशी की बहुत शुभकामनाएं।